अच्छा जी, आज मैंने अम्मी जान को बुलाया है, बैठ जाए प्लीज यहाँ पर इस सीट पर, और हॉट सीट पर अम्मी को बिठा दिए। आज मैंने एक बड़े ही मजेदार सा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक हेयर डाई की वीडियो शेयर की थी, जिसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला था आप लोगों की तरफ से, और उसकी फीडबैक अम्मी को भी बहुत अच्छी लगी थी, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी थी। खैर, आज दोबारा से हम एक और डाई नहीं बोल सकते उसको, ये शैम्पू है, हेयर डाई शैम्पू है, ठीक है, जिसको हम बालों पर यूज करने वाले हैं। अम्मी जान के जो बाल है ना, उनको रीटच होने वाला है। रूट्स जो है वो ग्रे हो चुकी हैं, कुछ रेड बाल हैं, कुछ ब्लैक हैं, तो मिक्सचर सा बन चुका है, तो इसे हम रीटच करेंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंटल मैं करके दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हुए नजर आ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इन बालों पर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो मैंने इस सीट के लिए जायफ को बुलाया, बड़ी मिन्नत तरले करके, प्लीज आप तशरीफ रखें यहाँ पर, थैंक यू कि ये आ गए भाई। तो अब ये है कि इनकी दाढ़ी में जो है ना, वो वाइट कलर के बाल हैं, जो कि ये कलर वगैरह नहीं करते, तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनके जो दाढ़ी के बाल हैं उसको ब्लैक कर दिया जाए। हाँ जी, यहाँ पर मेरे पास दो कलर के शैम्पू हैं, हेयर डाई शैम्पू हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर में और दूसरा डार्क ब्राउन कलर में। ये 5-in-1 इनके ऊपर लिखा हुआ है, और कंपनी नेम है जी दी हेयर फैक्ट्री के नाम से। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या क्या काम करते हैं, इसके ऊपर डाई भी किया जा सकता है बालों को, और साथ में कंडीशनर का काम भी कर देगा, मतलब 5-in-1 है, बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करता है। इसके अंदर कैरेटिन भी है, ऑलिव ऑयल भी है, सेम इंग्रेडिएंट्स दोनों शैम्पू के अंदर हैं। इसको मैन और वुमेन सब यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सेफ्टी मेयर्स हैं, इसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पर इन्होंने हाउ टू यूज़ लिखा है, जहाँ पर आप बालों को वॉश कर सकते हैं। पहले बालों को वेट करेंगे, फिर ग्लव्स पहनेंगे, शैम्पू लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे अपने बालों पर, वॉश कर लेंगे। सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन कलर वाले शैम्पू को अनबॉक्स करने लगी, जो कि मैंने अम्मी जान के बालों पर अप्लाई करना है। इसके अंदर से देखते हैं कि अभी हमें क्या क्या चीज़ें रिसीव होती हैं। इस बॉक्स के अंदर से एक इस तरह की बॉटल हमें मिल जाती है, बहुत अच्छी सी क्वालिटी और पैकेजिंग के साथ। ऊपर लगा हुआ है इसके इस तरह का कैप, जिसे जैसे ही हटाते हैं तो इसके आगे लगी हुई है एक प्रोटेक्शन के लिए लिड कह लें, या इसको एक सील लगी हुई है। सबसे पहले इसको हटाने से पहले हम इसे अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि शैम्पू और कंडीशनर एक साथ हमें मिल जाए, ठीक है, तो पानी से जो बन जाता है ना, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, एक जाम हो जाए। अभी जो इसकी प्रोटेक्शन लीड है उसे हम रिमूव कर देते हैं, और एक अदद खाली बाउल लेंगे और उसके अंदर पंप की हेल्प से इसको निकालना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, प्रोडक्ट किस तरह से निकल रही है। इसके साथ हमें हेयर डाई शैम्पू भी मिल रहा है और साथ में कंडीशनर भी मिल रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ निकल रही हैं, ठीक है जी। वाओ यार, कितना मज़े का दिख रहा है। जितनी आपको ज़रूरत हो आप लोगों ने उतना ही निकालना है, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट आप निकाल कर बाउल के अंदर रखेंगे उसको दोबारा हम लोग वापस नहीं डाल सकते बॉटल के अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि इस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाते हैं कुछ इस तरह के ग्लव्स, क्योंकि अगर ये कलर आपके हाथों पर, आपके कपड़ों पर या कहीं पर भी लग जाता है तो वो उतरेगा नहीं। ये कुछ इस तरह के ग्लव्स हैं। अच्छा जी, शैम्पू को अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से चम्मच के साथ या फिर हाथों पर लेकर मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरह की कंडीशन में ये आ जाएगा हमारे पास लिक्विड सा। और अब हम जी इसको अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है, कोई आप लोगों ने ज़्यादा रोले में नहीं पड़ना, कोई ज़्यादा इसके अंदर ये नहीं है कि आपने ये चीज़ मिक्स करनी है, वो चीज़ मिक्स करनी है, और फिर इसको अप्लाई करने, कभी क्रीम कम पड़ गई तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, वो वाला सीन नहीं। अभी हम इसे हाथों पर लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी में हम लोगों ने हाथों पर लेना है, और हाथों पर लेकर अच्छे तरीके से इसको इस तरह से मसल लेना है, सही है। ये देखें, ठीक है, ग्लव्स हम लोगों ने पहने हुए, कोई डरने वाली बात नहीं कि जाओ के हाथों पर आएगा। अब हम लोगों ने कुछ इस तरह से बालों के ऊपर इसको जो है ना लगा लेना है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाना है। आप लोग देख सकते हैं कि झाग भी बना रहा है, और जो हमारे बाल हैं ना, उनकी रूट से लेकर एंड तक इसे अप्लाई किया जा सकता है। जहाँ जहाँ पर भी आपको ग्री कवरेज है, या आपके बाल वाइट हो चुके हैं, या आप अपने बालों को ब्लैक करना चाहते हैं, तो वहाँ वहाँ पर इस शैम्पू को हम लोग अप्लाई कर लेंगे। जब बालों पर ये लग जाएगा ना शैम्पू, उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा रब कर लेना है। अच्छा, बालों को इसको अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने गीला भी कर लेना है, वेट कर लेना है। वेट ऑलरेडी थे इनके बाल, क्योंकि ऑयलिंग की हुई थी, तो ऑयलिंग करने के बाद इन्होंने बालों को वॉश किया। वॉश करने के बाद हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं शैम्पू, तो इसलिए बाल जो थे ऑलरेडी वेट थे, ठीक है। अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है इसको रब कर देना है, और ऐसे ऐसे करके मसाज कर देनी है। 2 से 3 मिनट तक आप मसाज कर सकते हैं, उसके बाद जो है हम अपने बालों को टक कर लेंगे, और ऊपर कोई भी शावर कैप वगैरह पहन सकते हैं, नीचे भी आप लोगों ने कोई एप्रल वगैरह लेना ताकि आपके कपड़ों पर ना लगे, और फिर हम 10 से 15 मिनट तक वेट करेंगे, ठीक है जी। और मैं पूछूंगी अम्मी जान से कि किसी किस्म की कोई इरिटेशन या जलन या कुछ चुभन वगैरह तो नहीं हो रही इस प्रोडक्ट से, अम्मी कुछ ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा? नहीं वेट, ठीक है सब। हाँ जी, क्योंकि ये स्कैल्प में भी लग चुका है, तो बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि जब स्कैल्प में इस तरह की कोई प्रोडक्ट लगती है तो ऐसा ना हो कि इचिंग होने लगे, खारिश वगैरह महसूस हो, तो अम्मी जान कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अभी हम वेट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही दूसरों के सर पर अप्लाई करें, वाशरूम में तो हम लोगों ने अपने बालों पर खुद ही से अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही थी इसलिए मैंने अम्मी के बालों पर खुद अप्लाई करके दिखाया थोड़ी सी जगह पर। तो अम्मी ने बोला मैं खुद ईजी फील कर रही हूँ, मैं खुद अपने बालों पर अप्लाई करूँगी, तो जो जिसको ग्रे कवरेज का प्रॉब्लम है वो खुद भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं वाशरूम में। अच्छा, कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाए आपकी
स्किन के ऊपर प्रोडक्ट लग जाए या शैम्पू वगैरह लग जाए या डाई वगैरह लग जाए तो उसको रिमूव करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। फिर ब्लीच वगैरह यूज़ करनी पड़ती है तभी वो जो है प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। तो आप लोग सरसों का तेल या कोई भी तेल जो भी आपके पास घर में ईजिली मौजूद हो वो थोड़ा थोड़ा आपने फिंगर्स के साथ वहाँ वहाँ पर अप्लाई कर लेना अपनी स्किन पर ताकि किसी भी डाई वगैरह का आपके फेस के ऊपर कलर वगैरह ना आए। ये पहले वाला था जो कि मैं घोल चुकी हूँ और अम्मी के अप्लाई कर चुकी हूँ, बाउल बिल्कुल खाली हो चुका है। और अब बारी आती है जायद की, तो यहाँ पर ब्लैक कलर का जो शैम्पू है हेयर डाई है उसको इस बाउल के अंदर निकालने वाली हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इसका जो है वो हमें मालूम हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हनी हो और कुछ वाइट कलर का मायोनीज हो इस तरह का कलर है। अब इसको हम लोग कर लेंगे मिक्स, चम्मच के साथ भी किया जा सकता है और ग्लव पहनकर हाथों के साथ भी रब करके मिक्स किया जा सकता है। ठीक हो गया जी, अभी हम दूसरे ग्लव पहनेंगे। अच्छा सर जल्दी से काम तो कर लें। हाँ तो इधर लगाना नहीं आपने, ये लो आप ना यहाँ पर आप वो फनी रील बनाने आई हो, टिकटॉक बनाने आई हो। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह की कंडीशन में आ चुके हैं। अब ग्लव्स पे लगाकर अच्छे तरीके से जहाँ पर ग्रे कवरेज है वहाँ पर इसको हमने अप्लाई कर लेना है। टॉवल थोड़ा सा ऊपर कर लेते, फिर लग गया ना कुछ एक कतरा कर तो लिया। अब मैंने वो कान पे लग गया, बड़ी प्रोफेशनल यार तुम ना, ख्याल से अपना कहीं और ना लगा देना। अच्छा मैं भी फॉली वहाँ से उतार लूँगा। अम्मी कह रही थी कलर अच्छा है ये, एक ही दफ़ा हम लगाया तो उनको लग रहा था कि बहुत अच्छा है। तो नहीं अच्छा? अच्छा है, अच्छा है तो तभी तो अप्लाई कर रहे हैं और इसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे मिलेंगे। वो कह रही थी वो जो पहले लगाती थी ना उससे भी अच्छा है। आपको कोई जलन या इरिटेशन वगैरह तो बता देना। ठीक है अम्मी, ये अच्छा रहा पहले से? हाँ जी, पहले वाले से। एक दफ़ा ये टीके कम कर लेंगे। हमने ये स्किन के ऊपर तो नहीं कलर देगा? नहीं नहीं, स्किन के ऊपर कलर नहीं आएगा, जहाँ पर ग्रे कवरेज है वहीं पे कलर आएगा। दूसरी साइड पे भी लगा दो, इसे तो हो नहीं गया। ऑफ कैमरा मैंने कमेंट लगा रखी है, वीडियो लंबी। देखो कितना सवाब का काम है, अपने हस्बैंड की दाढ़ी पे आप लगा रही हो, खिदमत कर रही हो। वाह, अल्लाह पाक मुझे अजर दे। जी अम्मी बता रही क्या हुआ जी? अम्मी कह रही इधर भी लगाएंगे। हाँ जी सारे मुँह पे लगाएंगे, बेफिक्र रहे आप। अच्छा हमने ये शैम्पू है मतलब इसको लगा के मैं जाके नहा लूँ? नहाने से मुराद धो लूँ? हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने इसे वॉशरूम में जाकर ये लगाना होता है, इस बात 10 से 15 मिनट जब बंदा नहाने के लिए जाता है उसको इसको अप्लाई कर ले और फिर उसके बाद जो है वो वॉश कर दे 10 से 15 मिनट, इंस्टेंट इसके रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। वो जो ताम जाम करना पड़ता है ना डाई बनाने, मतलब वॉशरूम में जाके मतलब ग्लव्स पहने, ग्लव्स के ऊपर थोड़ा सा निकाल लें उसे, ऐसे आप मिक्स करें और अप्लाई कर दें, बस सिंपल। अच्छा सिंपल, जो लोग जल्दी में होते हैं ना वो इसलिए इंस्टेंट बोल रहे हैं ना। अच्छा जी, यहाँ पर एप्लीकेशन हो चुकी है अम्मी जान के भी और जाय साहब के भी। अब देखते हैं कि रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे, 10 से 15 मिनट का हम लोगों ने वेट करना है। जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जाय साहब भी आ चुके हैं वॉश करके और अम्मी जान भी आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अम्मी के बालों की कंडीशन दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से बना है। वाह यार बहुत अच्छा कलर आया है, वो क्यों और कैसे वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया था ये वाला डार्क ब्राउन कलर जो कि बड़ा ही नेचुरल सा टिंट अम्मी के बालों पर आ चुका है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी सारी चीज़। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। मुकद्दस आई जा रही हूँ, मुकद्दस साइड से सो गया है, रात के 1 बज गए। यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन की थी शैम्पू की और यहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पर आप लोग रिजल्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। ये देखें इनमें ग्रे बाल भी हैं, रेड भी हैं, मिक्स हो चुके हैं क्योंकि मेहंदी अप्लाई की हुई थी। बड़ा ही मज़ेदार सा नेचुरल सा टिंट इनके बालों पर आ चुका है। दूसरी साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, विजिबल फ़र्क जो है ना वो आपको नज़र आएगा, रिजल्ट आपको शो हो जाएंगे। ये देखें ये ग्रे बाल भी हैं इसके अंदर और मेहंदी वाले बाल भी हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन की थी जो कि बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद, ये उसमें कैमरे में ब्लैक लग रहे हैं लेकिन ये है नहीं ब्लैक। हाँ ये डार्क ब्राउन कलर सा आ रहा है लेकिन कैमरे में ब्लैक लग रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ बाल शाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसे लग रहे हैं कि शायद बाल जो है ना वो वाइट है लेकिन नहीं, ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से बाल जो है ना वो चमक रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है, वरना ऐसा है नहीं। अभी यहाँ पर आ चुके हैं जी जायद साहब, आपको कैसा लग रहा है? आपकी तो बिल्कुल दाढ़ी ब्लैक हो चुकी है, जेट ब्लैक हो चुकी है। देखा मिरर में, अच्छा लग रहा है आपको? यार कितना इंस्टेंट है ना, मतलब आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट्स मिल जाते हैं, आपको घंटों नहीं बैठना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता और सिंपली ये आपने ज्यादा हैसल क्रिएट कर दिया, इतनी है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, वॉशरूम में अगर रखी हो ना ये बॉटल, इसको आप शैम्पू की तरह, हाँ ये शैम्पू की तरह, शैम्पू की बॉटल है ये, रैक में रख दे और वहाँ पड़ी हो, आप नहाने जाए इसको स्पून से ऐसे हथेली पे निकाले, ग्लव्स लाजमी पहनने हैं तो इसको यूं रब करें और मिक्स करके, और मतलब
अप्लाई करें जिस तरह आप ऑयल लगाते हैं या शैम्पू लगाते हैं, और थोड़ी देर ब्रश व्रश करें, थोड़ा सा टाइम गुजारें वॉशरूम में, और उतनी देर में आपके कलर आ जाएगा। हाँ, और मुझे लगता है आपके तो 10 मिनट में, अम्मी ने 15 मिनट लगाए और आपने तो 10 मिनट के बाद रिमूव कर दिया था। और वॉश बहुत इजीली हो गया, एक दफा पानी डाला है ना तो मतलब वॉश हो गया। उस तरह नहीं है जिस तरह आप कोई डाई लगाते ना, तो काफी देर तक वो निकलती रहती है, कलर निकलता रहता है उसका, कलर भी निकलता रहता है और एक झाग सी भी होती है, झाग सी होती है वो निकलती रहती है। अच्छा, आप लोगों की फीडबैक इसके बारे में बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगे यार। इंस्टेंट अगर कोई चाह रहे हैं ना जिनके पास टाइम ना हो, मुझे पसंद आई, जैसे कि आप लोग बिजी होते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता, आप तो कभी भी नहीं घंटा लगाकर डाई बैठेंगे, नींद नहीं देते। और अम्मी जान भी बेचारी सुबह लगाकर मेहंदी बैठती है, सारा दिन इनका निकल जाता है, फिर वॉश करने पर इतना ज्यादा पानी भी वेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, आप दोनों ने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बगैर मैं ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर सकती थी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने बालों पर भी इसे अप्लाई नहीं कर सकती थी। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आप भी इस तरह के शैम्पू बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक ऐड कर दिए मैंने, इनकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है, कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट आपको बहुत कमाल के बहुत औसम मिलेंगे। बाकी जी, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, नीचे एक प्यार भरा कॉमेंट भी छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं जिस तरह के और भी बहुत सारे यूनिक वीडियोज़ में यूनिक आइडियाज़ के साथ। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह इनको भी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।